पागल फड़ के मोड़ा नयन वापिया परदेसिया आई है ना कि लागल पूरे फैमिली में है, पूरे टैलेंटेड लोग हैं और जितने भी लोग हैं इनके पिताजी, सुनकर मैं हैरान हूँ। आज फैमिली ऑफ द वीक के तहत इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारी स्पेशल गेस्ट जनक किशोरी जी, जो श्री सच्चा कला केंद्र की सचिव हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने वागीसा जी का जो गायन देखा, इनके फैमिली मेंबर्स का देखा, सबका टैलेंट देखा, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो उन्होंने क्या महसूस किया यहाँ पर आकर। उन्होंने पहले तो बोलो जिंदगी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी टैलेंटेड पर्सनालिटी के घर आने का मौका दिया। और मैं क्या बोलूं, वागीसा खुद जिसके कंठ में माँ सरस्वती का वास है, और इसका पहले भी बहुत बार सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनकी आवाज़, गायन, प्रस्तुति मैंने देखी है, लेकिन आज आकर पता चला कि इनके भीतर जो क्वालिटी गुण सब आए हैं, इनकी पूरे फैमिली में पूरे टैलेंटेड लोग हैं और जितने भी लोग हैं इनके पिताजी, सुनकर मैं हैरान हूँ कि ये सरकारी जॉब करते हैं, कोई कलाकार नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बढ़िया से ये गाते हैं, तो इसलिए तो इनकी बेटी भी इतना अच्छा गा लेती हैं, इनकी मम्मी भी बहुत अच्छा संस्कार गीत गाती हैं।
और वागीशा के बारे में एक बार मैं कहना चाहूँगी कि वो वर्सेटाइल उनके जो वॉइस हैं और विधा जो है मल्टी टैलेंटेड हैं, और वो जितनी विधाएं हैं संगीत की हर विधा में वो पारंगत हासिल की हुई हैं, और जैसे शास्त्रीय संगीत में वो तो एमए कर ही रही हैं, वो भजन भी गा लेती हैं, लोकगीत गाती हैं, कव्वाली गाती हैं, और सूफी गाना जैसे अभी सुनाई बहुत ही शानदार थी उनकी प्रस्तुति। उनकी जो गायन है वर्सेटाइल तो है ही, और मुझे सबसे अच्छा उनमें लगता है कि वो एक बहुत ही जैसे ऑडियंस को कनेक्ट करने की उनमें जो क्षमता है कि अपने श्रोताओं को अपने साथ बांध कर रखती हैं, श्रोता उनके साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि जैसे लगता है कि इधर उधर ध्यान उनका नहीं जाता है। उनको हम मंच पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते देखे हैं कि वो ऊपर से गाती हैं, सबसे क्लैप करवाती हैं, एक लाइन दोहराने के लिए बोलती हैं, फिर गाते गाते ऑडियंस के बीच में चली जाती हैं, इस तरह से श्रोताओं को वो बांधे रखती हैं। ये खूबी उनको यहाँ नहीं, उनको बहुत दूर तक ले जाएगा, और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, और वो हमारे बिहार की बहुत प्रतिभाशाली हमारे जो कलाकार हैं, हम चाहेंगे कि उससे प्रेरणा लेकर और भी लड़कियां बच्चियां जो बिहार की हैं आगे जाएं और देश ही नहीं विदेशों में जाकर हमारे बिहार की मिट्टी की गूंज को फैलाएं। और वागीशा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूं कि वो बहुत ही आगे जाए, तरक्की करे, और मेरी बहुत बहुत उनको दुआ है मेरी ओर से कि वो खूब आगे बढ़े और हमारे बिहार का नाम रोशन करें।